Welcome dear students in RCI Education Hub Bansur online classes. Today we continue periodic trends in a property of elements. Already we see 5 trends. Next 6 number is oxidation state and valency. Very important oxidation state and valency electrons. First of all, you will be see what will be oxidation state. I tell you about it. Oxidation state, first of all, you see according to group, you see the periodic table in which group start from 1 to 18. 8 से 18 तक, यानी 1 से और 18 तक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. एवरेज जो ग्रुप होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. मोस्टली जो ग्रुप हैं इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं, अगर बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो दो हैं. कौन कौन से? ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप सेकंड है. ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हैं. और यहाँ पर अपने पास में आते हैं, ये आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनके अपने पास में तीन ग्रुप थे, 3D, 4D, 5D, 6D वगैरह, 3 से 4 ग्रुप बन रहे हैं. और ये वाले ट्रेड में अगर बात करें तो ये वाला अपने पास में था 3 to 12 ग्रुप इसके अंदर हैं. बाकी रिमेनिंग है ये वाले 13, 16, 17 और 18. ये वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स. कौन से हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये वाले हैं. और बाकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको डाउन साइड के अंदर पीरियडिक ट्रेंड्स में आपको देखने को मिलते हैं. ओके, तो आपको यह देखना क्या है इस वाले पार्ट में अपन देखें तो अपने को स्टार्टिंग करना है ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या करना है? शो करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को. शो करना है ग्रुप के बेस पे देखें तो ग्रुप नंबर फर्स्ट है उसमें, ग्रुप नंबर सेकेंड है. यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर बात करें तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस सेल के अंदर है. अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 आता है. और इस वाले में क्या आता है? NS2 आता है. इस वाले में अगर बात करें तो यहाँ पर NP1 आता है, इस वाले में NP2 आता है, इसमें NP3 आता है, NP4 आता है, NP5 और NP6 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. इसका मतलब क्या है? किस वाले के अंदर है? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के ऊपर, नंबर्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी डिपेंड करती है. दोनों डिफरेंट हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं. सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं स्टेट के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इन ग्रुप और एज एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कितना रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी वैलेंसी कितनी होती है वो आपको यहाँ पर देखना है. दूसरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो आप देख सकते हैं. और दूसरा देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या परसेंट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इसमें अपन देखने वाले हैं वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो भी ट्रेंड इसमें आने वाला है, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह क्या होती है आप इसमें देखते जाइए. वन बाई वन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ग्रुप टू ग्रुप आपको इसको रिप्रेजेंट करना है. ये ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड आल्सो 18. ओके, ये वाला एस ब्लॉक एलिमेंट्स इधर वाले, और ये वाले कौन से पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. ओके, ये आप देखिए, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाता है. डैट मीन्स इस वाले की वैलेंसी में अगर बात करें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है. ग्रुप फर्स्ट में अगर बात कर रहे हैं अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, ग्रुप फर्स्ट है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं इसकी वैलेंसी कितनी आती है? वैलेंसी आती है इसकी 1. कितनी आती है? 1 आती है. इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है. इस वाले में देखें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं तो यहाँ पर क्या आता है? NS2 सभी के अंदर है. NS2 NP1 NS2 NP2 वन बाई वन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा यहाँ पर पी के अंदर ऑर्बिटल्स में. यहाँ पर कितना होगा? 2 के बाद यहाँ पर आता है 3 है, इस वाले में 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा, इस वाले में 6 होगा, यहाँ पर 7 होगा, और इस वाले में कितना होगा? 8 होगा. ये तो क्या कहलाएगी? वैलेंसी. ये वैलेंसी नोट कर रही है कौन से वाले में वैलेंसी कितनी, इसके अंदर अपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आप इसको कर सकते हैं. ये क्या कहलाते हैं अपने पास में?
ये वाले जो कंपाउंड है इनकी वैलेंसी की बात कर रहे हैं। देखो वैलेंसी वन बाई ये है अपने पास में क्या है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने किसको रिप्रेजेंट कर दिया कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 1 2 3 4 5 मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी वैलेंसी कितनी आएगी जितने वैलेंस एल के इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम उतनी क्या होती है वैलेंसी होती है। ओके वैलेंसी जीरो भी हो सकती है वैलेंसी एक से ज्यादा भी हो सकती है इट मे बी मोर कंपेयर टू वन एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे मैं कह रहा हूँ वैलेंसी इस वाले ग्रुप की वैलेंसी कितनी है 1 इस वाले कितनी वैलेंसी 2 इस वाले ग्रुप की वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट इस वाले की वैलेंसी है 3 इस वाले ग्रुप की एक वैलेंसी क्या हो सकती है 4 हो सकती है इस वाले ग्रुप की एक वैलेंसी क्या हो सकती है 5 इस वाले की 6 हो सकती है इसकी वैलेंसी 7 हो सकती है इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है 8 भी हो सकती है। थोड़ा चेंज आता है इसके अंदर वैलेंसी में वो चेंज किसके आधार पर आता है वो मोस्टली अगर अपन बात करें तो वैलेंसी स्टार्टिंग जो है जहाँ तक जाने तक कोई चेंज नहीं होता वैलेंसी में इसके बाद वैलेंसी में चेंज आता है इसकी वैलेंसी 5 है। अब आप देखिए मैक्सिमम कितने आ सकते हैं देयर विल बी कम्स 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम बट देयर विल बी प्रेजेंट 5 तो इट कैन आल्सो टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर और गेन कर ले इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इट कैन टेक 2 देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स इट मे बी 1 देयर विल बी इलेक्ट्रॉन्स इट मे बी 0 दैट मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी है इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है 5 भी हो सकती है 2 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है 1 हो सकती है 7 भी हो सकती है इसकी वैलेंसी 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम 8 हो सकती है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपको दे रखी है वैलेंसी की मिनिमम कितनी रहेगी ये तो कहलाएगी इसकी मिनिमम और ये कितनी कहलाएगी स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैलेंसी कहलाएगी। ओके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव क्या हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स अटैच हैं उन एटम्स में से क्या करें अदर एटम्स को अगर रिमूव कर दिया जाए तो उस कंडीशन में रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के पास वो इसकी वैलेंसी को शो कर रहे हैं। वैलेंसी है वो एक फिक्स वैल्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होता रहता है इट विल बी नॉट फिक्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन अकॉर्डिंग टू अटैच एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स इट विल बी चेंज इट विल बी सी इन यू एग्जाम्पल कि वाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट इट विल बी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है स्टूडेंट्स ग्रुप फर्स्ट में आप देखो कितना रहेगा +1 यहाँ पर कितना रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम कितने लूज कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है क्या लगाना है पॉजिटिव गेन कर रहा है क्या लगाना है नेगेटिव ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है +3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है ये +4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है ये -4 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है इट गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है दैट मीन्स इस वाले की ऑक्सीजन स्टेट 2 हो सकती है +4 और -4 भी हो सकती हैं दोनों ही इसके अंदर वेराइज करती हैं इस वाले में ये +5 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है लूज कर सकता है बट 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्टेट रूल के बेस के ऊपर अपन पढ़ चुके हैं ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है तो -2 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकता है ये वाला +7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है तो -1 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और ये वाले जो होते हैं ये +8 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं तो ये वाले 0 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं गेन नहीं इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वैलेंसी जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है वैलेंसी ऑलवेज क्या होती है स्टूडेंट्स पॉजिटिव वैल्यू होती है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम कितनी हो सकती है 8 हो सकती है। ओके बट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होती रहती है इट मे बी +1 2 +8 इट मे बी -1 2 -7 कहाँ तक हो सकती है -1 से लेकर 0 से -1 -2 -3 -4 -5 -6 भी हो सकती है बट इट डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किस स्पेस पर है ये चेंज नहीं हो रहा अभी अपने यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले में चेंज आ रहा है पॉजिटिव भी है और क्या है नेगेटिव बट आप देख रहे हैं इस वाले में ये जो वैलेंसी है ये पॉजिटिव में ही है जबकि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन यूज किया है तो ऑक्सीजन स्टेट दोनों फॉर्म में मिलती है वैलेंसी एक ही फॉर्म में आपको मिलती है जितने वैलेंसी है उतने क्या पाए जाते हैं
वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो इन दिस वी सी व्हाट विल बी द वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर ग्रुप। फॉर डी ऑर्बिटल्स देयर विल बी डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट आर फाउंड इन वी सी इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ए वन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंड दैट इज H2O। इन H2O व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सीजन की, टेल मी। यू कैन सी हाइड्रोजन है प्लस वन, सो डेट विल बी प्लस टू फॉर हाइड्रोजन एटम, सो इट इज इन न्यूट्रल फॉर्म, सो देयर विल बी कम्स माइनस टू क्रॉस प्लस टू, देन इट विल बिकम्स इन न्यूट्रल फॉर्म। कोई चार्ज है इसके ऊपर, कोई चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, जबकि इसके ऊपर अगर चार्ज होता इस टाइप से लिखते एफ माइनस थ्री चार्ज होता, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसे अपन लिखते हैं एसओ फोर सल्फेट आयन और टू माइनस लिखा हुआ था यहाँ पर। वाट इज द मीन, देयर विल बी वैलेंसी नॉट सेटिस्फाई इस इट्स वैलेंसी, ऑक्सीजन आइटम की वैलेंसी आप कितना मानते हैं, ऑक्सीजन स्टेट कितने मानते हैं, माइनस टू मानते हैं, डेट मीन्स इसकी कितनी है माइनस टू है। इसके अंदर ऑक्सीजन आइटम में ऑक्सीजन की वैलेंस सेल के आधार पर अगर बात करें तो कितनी है माइनस टू। ओके, अगर इसी को चेंज कर देते हैं H2O2, अब बताओ H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीजनेशन स्टेट क्या है H2O2 में ऑक्सीजन का, ये चेंज हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट जो होता है एक ऑक्सीजन एटम के लिए कितना होता है माइनस वन होता है, कितना होता है माइनस वन होता है। ऐसे अगर बात करें अपन कहते हैं कि OF2 जो होता है OF2 इस वाले में इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा OF2 के अंदर डे स्टूडेंट, तो ये भी आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, ये कितना हो सकता है प्लस टू, कितना है प्लस टू, व्हाट आर यू सीइंग देयर, दैट विल बी माइनस टू टू कम प्लस टू। यस, इज डिपेंड ऑन अदर एटम के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट ए फिक्स वैल्यू, इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू अदर एटम के आधार पे क्या हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है, दैट इज नॉट ए फिक्स वैल्यू। ओके, एवरी एटम हैव ऑक्सीडेशन स्टेट मे बी 0 to +8 बट इट चेंज अकॉर्डिंग टू अदर एटम्स प्रॉपर्टी। यू कैन ऑलरेडी सी इन H2O ऑक्सीजन एटम है माइनस टू बट इन OF2 कम्स फॉर्म इट हैव प्लस टू फॉर्म। ओके, तो दैट इज यू कैन सी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वेराइज अकॉर्डिंग टू अदर एटम। ओके, टुडे इज वी सी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यू कैन इजिली लर्न इट, ऑलवेज रिमेंबर इट, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन स्टेट एंड वैलेंस इज very important part for chemistry, in organic chemistry you also use it for ionic and ionic compounds. So, okay, today we see this, next we see the last property of periodic trends. Thank you.